हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी कोडर में। तो गाइस, जैसे कि हम स्टार्ट कर चुके हैं ई कॉमर्स साइट स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। तो जैसे अभी तक मैंने दो वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। तो लास्ट वीडियो में जैसे हम बनाए थे, जैसे कि यूज़र इंटरफेस, इंडेक्स पेज, लॉग इन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज। तो आज के वीडियो के अंदर जो बनाने वाला एक प्रोडक्ट पेज बनाएंगे, जहाँ पर यूजर ने यूजर को डिस्प्ले होगा ऑल द प्रोडक्ट एंड कैटेगरी के साथ, जैसे कि यूजर वहाँ से खरीद सकते हैं या बाय कर सकता है। तो इस तरह एक पेज बनाएंगे, दैट मीन सर्च बार रहने वाला है, उसके लेफ्ट साइड में जैसे कैटेगरी रहने वाला है एंड राइट साइड में इस तरह प्रोडक्ट सब कुछ डिस्प्ले होने वाला है। ओके, तो आज की वीडियो में ये बनाएंगे। तो गाइस, जैसे अभी तक ये जो प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करते, कुछ चेकआउट कर लेना। दैट मीन्स यहाँ पर ऑल द स्प्रिंग बूट, जैसे कि हम ई कॉमर्स साइट जो बना रहे इस प्रोजेक्ट, तो ऑल द वीडियोस यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक बार आपके ये जो एक्सेस करने का बुक मार्क में सेव कर लीजिए। ओके, तो गाइस अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, इस चैनल पर इससे ही मिलता रहेगा प्रोजेक्ट के वीडियो के साथ साथ ट्यूटोरियल्स मिलता रहेगा। एंड जैसे ये वाला जो ई कॉमर्स साइट प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद स्प्रिंग रेस्ट का वीडियो भी लेके आएंगे, उसके साथ यूआई इंटरफेस जैसे कि हम सीखने वाले रिएक्ट एंगुलर, ऑल द ट्यूटोरियल्स इस चैनल पर आपको मिलता रहेगा। ओके, तो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो आज के वीडियो अंदर जो बनाने वाले, तो इस तरह एक पेज बनाएंगे तो प्रोडक्ट्स पेज का। तो पेज का नेम जो रहने वाला प्रोडक्ट पेज बन रहेगा। तो दैट मीन्स हम जो बना रहे हैं जो ये जो प्रोडक्ट्स को हम यूज करें एचटीएस टूल। ओके, तो टेम्पलेट जो फोल्डर था इसके अंदर हम ऑल द एस्टिमेट कोड यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो आ जाएंगे सिंपल, अभी यहाँ पर क्या करें, राइट क्लिक करने के बाद एक एस्टिमेट पेज बनाएंगे, अदर पर क्लिक करेंगे, एस्टिमेट सर्च करेंगे। प्रोडक्ट डॉट एस्टिमेल पेज बन चुका है। तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था, दैट मीन्स हम इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट बेस्ड। दैट मीन्स हम एक बेस बनाए थे एस्टिमेल पेजेस, तो इसमें अंदर जैसे कि ऑल द पेजेस को रेंडर कर रहा है, जैसे नया बार एक ही बार रहेगा, पर इसके अंदर एक डीप में बनाया था कॉन्टेंट, इसके अंदर ऑल द जो पेज बना रहे इसके अंदर हम रेंडर कर रहे हैं यहाँ पर, राइट। तो सिंपल अभी जैसे कि जो उसका लॉजिक जो था, तो यहाँ पर जो मैंने बनाया था, जैसे कि फ्रैगमेंट कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हैं, तो फ्रैगमेंट के अंदर जैसे कि ये वाला जो कॉल करने के लिए लेआउट मैंने एक मेथड बनाया था, इसके अंदर कंटेंट पास होने वाला है, राइट। सिंपल जैसे हम इंडेक्स पेज में आ जाएंगे, जैसे बनाए थे, जैसे ये वाला जो लॉजिक को हम कॉपी कर लेंगे एक्सएमएल, जैसे कि थाइम लिप का, देन उसे टीएच रिप्लेस कर रहे हैं ना, बेस जो मेरा है फाइल उसके अंदर लेआउट मेथड होगा, उसके अंदर मैं सेक्शन का जो अंदर जो वैल्यू रहना है उसको मैं पास कर रहा हूँ, राइट। डायनेमिक बन रहा है तो उसको मैं अभी कॉपी कर लूँगा। तो अभी बार बार मैं नहीं लिखूँगा, आज मैं प्रोडक्ट एचटीएमएल में इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, तो सिंपल आ जाएंगे, उसके बाद जैसे प्रोडक्ट पेज आ जाएंगे, देन उसके मैंने बताया सेक्शन के अंदर जो मेरा कंटेंट रहने वाला वो से मेरे बेस पेज के अंदर रेंडर होगा, तो यहाँ पर बना लेंगे एक। ओके, देन सिंपल अभी फर्स्ट क्या करेंगे, डिव लेंगे, डिव क्लास कंटेनर, कंटेनर फ्लूइड। ओके, तो उसके बाद हम जैसे बीजी दे देंगे प्राइमरी, इसे बैकग्राउंड कलर दे देंगे पूरा फुल्ली, हम जैसे कि ब्लू कलर देखना चाहिए, बीजी प्राइमरी। ओके, उसके सिंपल, तो उसके बाद आ जाएंगे नेक्स्ट, हम एक बनाएंगे यहाँ पर फॉर्म टैग रो बनाएंगे, रो के अंदर हम ग्रिड डिफाइन करेंगे, डिव क्लास रो, डिव इसको ग्रिड डिफाइन करेंगे, क्लास कूल एम डी राइट। ओके, एंड ऑफसेट एम डी, दैट मीन्स थोड़ा जैसे कि राइट साइड की तरफ उसको दो ग्रिड अपन आगे चले जाए, राइट। तो सही देखने वाला, जैसे सेंटर में आज जैसे फ्री लोग, राइट। तो फॉर्म टैग हम यूज करेंगे फॉर्म, राइट। उसके बाद डिव क्लास इनपुट ग्रुप, तो इसमें ये जो मैं यूज कर रहा हूँ सबको बूस्टर की क्लास यूज कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह यूज करना है, दैट मीन्स। तो आ जाएंगे, तो ये बहुत इजी है, अब इजीली सीख सकते हैं, और बूस्टर इतना कोई डिफिकल्ट नहीं, डायरेक्टली आप उसका क्लास नेम यूज करो तो ऑटोमेटिक सब कुछ यूज हो जाएगा, एचटीएमएल इंटरनली जो है सीएसएस ऐड हो जाएगा, राइट। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट एंड क्लास फॉर्म कंट्रोल। ओके, देन नेम मैं डिफाइन कर लूँगा, जो नेम एट्रीब्यूट जो रहने वाला है कैट, राइट। सिंपल डन, उसके बटन डिफाइन करूँगा क्लास बीटीएन, बीटीएन से रखने वाला बीटीएम, जैसे लाइट रखेंगे बीटीएन लाइट, दैट मीन्स उसका जो बैकग्राउंड कलर पूरा फुल्ली रहने वाला अपना ब्लू कलर, उसको बॉटम कलर रखेंगे व्हाइट कलर। ओके, एंड टेस्ट रखेंगे डार्क, एंड अब रखेंगे सर्च। ओके डन, वे आ जाएंगे कैसे दिखता है वो चेक कर लेंगे एक बार। ओके, तो मैपिंग में करना होगा, देन आ जाएंगे होम को, जैसे कि जो कंट्रोल है होम कंट्रोलर के अंदर, यहाँ पर मैपिंग करेंगे।
के देखेंगे प्रोडक्ट्स। कौन सा पेज डिस्प्ले हो, मेरा जो पेज का नेम रहने वाला है करेक्ट होना चाहिए, अगर मिसमैच होगा देखेगा जैसे टेम्पलेट नॉट एग्जिस्ट जैसे एरर आ जाएगा 404 एरर प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट पेज। ओके डन, दैट मीन्स मैंने यहाँ पर यूज़ किया था मैंने स्प्रिंग डेव टूल, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर रिलोड हो जा रहे हैं, लेकिन मेरे को बार बार रन नहीं करना पड़ रहा है। राइट, तो आ जाएंगे रिफ्रेश कर लेंगे। ओके, प्रोडक्ट जो नया बार इसके अंदर भी ऐड करना होगा, आ जाएंगे बेस पेज के अंदर। तो ओके, तो जो नया बार मेरा था तो यहाँ पर मैं बता दूंगा प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स। राइट, तो जैसे मैं प्रोडक्ट्स में क्लिक करूँगा तो प्रोडक्ट मैपिंग हो जाए, मैपिंग होने के बाद मेरे को प्रोडक्ट पेज मिल जाएगा। तो आ जाएंगे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। ओके सही है, प्रोडक्ट पे मैंने जैसे क्लिक किया तो आ चुका है, बट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ओके, तो आ जाएंगे प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्या है ना, तो मैंने जो यूज किया था उसको जो नया बार टॉप फिक्स था उसको थोड़ा जैसे कि वो नीचे आना चाहिए, जैसे कि मैं इसको यूज कर दूँगा पैडिंग 5 उसका नीचे आ जाए आई थिंक, चेक कर लेंगे एक बार। ओके ये सही आ चुका है, पैडिंग 5 मार्जिन टॉप 5। ओके ये सही दिख रहा है। ओके तो दैट मीन्स आज चेक कर लेंगे, इस तरह देखना चाहिए। तो ऐसे मार्जिन जैसे स्टार्ट में दे देंगे बॉटम, मार्जिन स्टार्ट 3 दे देंगे, अभी सही दिख रहा है। राइट सही दिख रहा है, तो अभी उसका दे देंगे कूल MD, साइज भी दे देंगे उसका कूल MD एपन 2। अभी शायद सही दिख रहा है। राइट, तो सर्च आ चुका है, तो इसके अंदर मैंने जैसे कि इस तरह के आइकन देने वाला हूँ, तो आइकन देने के जैसे फॉन्ट असम में यूज कर रहा हूँ, फॉन्ट असम वेबसाइट में आ जाना है, फॉन्ट असम तो गाइस सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है अगर वीडियो से कुछ हेल्पफुल हो रहा है, तो मेरे को मोटिवेट मिलता है कि आपके लिए इस तरह और भी कंटेंट इस तरह लेके आता रहूँगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट हो। राइट, तो सर्च कर लूँगा, तो दैट मीन्स तो आ जाएंगे सर्च का आइकन मेरे को मिल जाएगा, तो डायरेक्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ, या ये वाला जो प्रो लिखा है उसको यूज़ नहीं करना है, को फ्री वाला यूज़ करना है। कॉपी कर देंगे उसको, जो है सर्च का बटन पहले पेश कर देंगे, तो वैसे ही दिखेगा। रिफ्रेश करने के बाद तो अभी सही दिख रहा है। राइट, तो अभी सर्च दिख रहा है बटन, तो सर्च बटन ऐड हो चुका है मेरे यहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट क्या है ना, तो उसके बाद लेफ्ट साइड में हम देंगे दैट मीन्स एक प्रोडक्ट का, दैट मीन्स प्रोडक्ट की कैटेगरी आना चाहिए, एंड राइट साइड में इसी के मेरा रहना चाहिए प्रोडक्ट का ऑल द डिस्प्ले होगा लिस्ट। तो इसको इंप्लीमेंट अभी करेंगे, तो आ जाएंगे सिंपल, तो बूस्टर की साइड से हम जैसे कि कैटेगरी क्या उसका ऑप्शन क्लिक कॉपी कर लेंगे, तो आ जाएंगे एक बार, तो बूस्टर की साइड देखिए लिस्ट ग्रुप नहीं, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स में आ जाएंगे। ओके, उसके बाद तो लिस्ट ग्रुप है। ओके लिस्ट ग्रुप कॉपी कर लेंगे, तो दैट मीन्स ये वाला यूज नहीं करना, जैसे मेरे को एंकर टैग जो हो जैसे मैं क्लिक करूँ कैटेगरीज में से ना ओपन हो जाए इस तरह नहीं, ये तो लिस्ट वाला दैन एंकर टैग से यूज होगा, हाँ ये वाला एंकर टैग के साथ साथ दैट मीन्स मेरा बटन जैसा फील है। राइट, तो ये वाला कॉपी कर लेंगे होगा। ओके दिन अभी आ जाएंगे लिस्ट ग्रुप को कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद आके यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो फर्स्ट में क्या है ना, मेरे को यहाँ जैसे ये जो कंटेंट था डीप फ्लूइड, तो इस तरह से सेम कंटेंट एक बनाएंगे यहाँ पर डीप, तो उसके क्लास, तो जैसे दो गेट में डिफाइन करेंगे, तो क्लास से कंटेनर फ्लूइड मार्जिन टॉप दे देंगे 1। ओके डन, उसके बाद जैसे रो डिफाइन करेंगे डीप क्लास, जैसे रो
सो दो ग्रिड में रखें, लेफ्ट फर्स्ट ग्रिड में रहेंगे कैटेगरी, सेकंड ग्रिड में रहने रहे प्रोडक्ट, दैन क्लास से इसको रख दें कूल एम डी हैपन टू, और नेक्स्ट जो ना प्रोडक्ट रहने वाला है मेरा एट ग्रिड में रहने वाला है क्लास कूल एम डी एम डी एट या समथिंग टेन रखेंगे। ओके डन। पेश कर देंगे। ओके अभी सही दिखना चाहिए राइट, तो अभी आ जाएंगे एक बार रिफ्रेश कर लेंगे, चेक करें कैसे दिखता है। अभी सही दिख रहा है राइट, लेफ्ट साइड मेरा कैटेगरी आ चुका है, तो ऊपर टॉप में जो दिखा है करंट लिंक आइटम दैट मीन्स इसको मैं रख देंगे, उसका जो नेम दे देंगे, इसको कंट्रोल डिलीट कर लेते हैं, तो जैसे कि थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए दैट मीन्स, तो ये डिफ तो यहाँ का टैग जो है टैब टैब यूज करेंगे राइट, तो ये सही दिख रहा है अभी, इसको रखेंगे कैटेगरी कैटेगरीज। ओके हम फास्ट में रख देंगे, तो ये स्टैटिक रखा है, इसको डायनिंग बनाएंगे। फास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड जो रहने वाला है देन मोबाइल फोन राइट, देन थर्ड में रहने वाला है क्लॉथेस राइट, तो इतना ट्रल थ्री रखेंगे अभी, ज़्यादा नहीं रखेंगे, तो इसके बाद जैसे कि जो एडमिन साइड ऐड करते जाएगा एक कैटेगरी तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा राइट, तो अभी सेव कर देंगे, नहीं ये सही नहीं दिख रहा है राइट, सेव कर देंगे एक बार तो आ जाएंगे, तो यहाँ पर रिफ्रेश कर लेंगे। ओके कैटेगरी से आ चुका है मोबाइल फ़ोन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स क्लॉथेस दिख रहा है, तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा आ चुका है टैग, तो एक टैग को रिमूव करना है, और ये आ चुका है एक्स्ट्रा आई थिंक लग रहा है बेस पेज में कुछ आया है एक्स्ट्रा ट्रैक, ये वाला ओके ये वाला रिमूव करना चाहता। ओके तो हो चुका है, देन उसके बाद क्या है ना, तो राइट साइड में मेरे को प्रोडक्ट दिखाना है, इस तरह प्रोडक्ट दिखाना है, प्रोडक्ट देखिए ये गाना अदर डीप होगा दैट मीन्स जो मेरा है ग्रेड उसके अंदर दिखाना चाहिए, तो आ जाए ये जो कूल एम डी मैंने जो टेन डिफाइन किया था उसके अंदर देंगे पैडिंग, जैसे कि पैडिंग जीरो देंगे नहीं सिंपल अभी नहीं देंगे, बाद में जो उस हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से करने वाला है उसके बाद आ जाएंगे, उसके बाद डिफाइन का फर्स्ट डीप क्लास डिफाइन का कार्ड कार्ड रहेगा डीप क्लास कार्ड बॉडी डन, कार्ड बॉडी के अंदर मैं सब पी टैग दे दूंगा, पी टैग दैट मीन्स जैसे कि ओके देन नेक्स्ट इसके हम पी टैग यूज करेंगे, तो पी टैग में जैसे कि सिंपल डिफाइन करेंगे, तो जैसे प्रोडक्ट्स नेम से डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट्स ओके, तो उसके बाद जैसे कि हम डिफाइन कर देंगे उसका क्लास, तो एफ एस जैसे थ्री या समथिंग फोर यूज करेंगे, थ्री यूज कर लेंगे और टेक्स्ट एंटर कर देंगे टेक्स्ट एंटर। ओके डन, तो अभी सेव कर देंगे, वो चेक करने कैसे दिखता है, तो अभी आ जाएंगे इसी के ब्राउज़र पे, तो रिफ्रेश कर लेंगे एक बार तो कैसे दिखता है। ओके द सिंपल सही दिख रहा है, प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, प्रोडक्ट के बाद देन उसके बाद हम डिफाइन करेंगे दैट मीन्स मल्टीपल टाइम्स मेरा रहने वाला है, हमारे प्रोडक्ट्स के इमेज के साथ नेम रहने वाला है, देख सकते एक नॉर्मल छोटा छोटा एक कार्ड है राइट, तो सिंपल छोटा को मैंने कार्ड लिया था, उस कार्ड के अंदर ये छोटा छोटा स्मॉल कार्ड है, तो कार्ड के अंदर ये मल्टीपल डायनेमिक होगा, तो अभी मैं क्या कहें सिंपल चार इमेजेस रखेंगे, उसके बाद जो एडमिन साइज ऐड करते जाएगा यहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। ओके डन, तो ये सिंपल अभी बना लेंगे। तो कार्ड बॉडी है, कार्ड बॉडी से जो मैंने रो डिफाइन एक रो डिफाइन करना है, तो रो के अंदर हम डिफाइन करेंगे एक एक करके, तो रो में दैट मीन्स क्या ना हर एक रो में टोटल फोटन 12 ग्रिड से, 12 ग्रिड के अंदर जैसे हम डिफाइन करें थ्री पर जो कार्ड रहना है थ्री ग्रिड्स में रहना चाहिए, तो डिफ करेंगे डिफाइन डिफ डिफ क्लास ओल एम डी थ्री, तो उससे पहले फर्स्ट आपको रो डिफाइन करना होगा राइट, तो रो जैसे कि ग्रिड में डिस्प्ले होगा ग्रिड दैट मीन्स आपको फर्स्ट टॉप में रो डिफाइन करना होता है क्लास रो और रो का जो डीप टैग है कंट्रोल कर लेंगे कंट्रोल भी। ओके तो
कोल एम डी थ्री पर 4 ग्रिड रहने चाहिए, दैट मीन्स राइट। तो फर्स्ट ग्रिड में जो डिव है, डिव के अंदर डिव के डिफरेंट का क्लास कार्ड होगा, देन कार्ड डिव राइट, देन उसके बाद कार्ड बॉडी, कार्ड बॉडी राइट। कार्ड बॉडी के अंदर इमेज फर्स्ट डिफाइन करेंगे, डेट फर्स्ट वाला इमेज होगा IMG टैग। तो जैसे कि जो भी रहने चाहिए मेरा प्रोडक्ट वगैरह सबको टेक्स्ट सेंटर में रहेगा, तो उससे पहले फर्स्ट वाला क्या करेंगे उसको टेक्स्ट सेंटर करेंगे, कार्ड बॉडी में जो रहने वाला है मेरा क्लास यूज करेंगे टेक्स्ट सेंटर। ओके, तो इमेज टैग, जो इमेज टैग में जो रहने वाला है मेरा जो फोल्डर है स्टैटिक फोल्डर के अंदर, इमेज फोल्डर है, इमेज फोल्डर के अंदर जैसे कि सब कुछ प्रोडक्ट इमेज है, तो फर्स्ट वाला आ जाएंगे, एक प्रोडक्ट इमेज खोल के रखता हूँ तो मेरे को मिल जाएगा इजीली। तो जैसे कि कौन सा होगा IMG टैग, देन उसके बाद प्रोडक्ट इमेज अंडरस्कोर IMG स्लैश, नहीं ये होगा लैपटॉप, लैपटॉप डॉट JPG। ओके, तो मेरा भी बन चुका है इमेज टैग आ चुका है। उसके बाद उसका नीचे जो हम डिफाइन करेंगे, तो इसका विथ एंड भी हाइट डिफाइन करना होगा, विथ तो विथ जो रहने वाला मेरा 100%, हाइट डिफाइन करेंगे 150 पिक्सल। ओके, देन नेक्स्ट जो पी टैग यूज करेंगे दैट मीन्स उसका टाइटल दिखाएंगे, टाइटल सिंपल अभी दिखा रहा था लैपटॉप, तो ये सब कुछ डायनामिक बनेगा। ओके, उसके बाद दैट मीन्स ये जो होने वाला है पी टैग के अंदर जो मैंने यूज किया उसको मैं दे दूंगा क्लास, जैसे कि FS5 उसका। तो सिंपल जैसे कि अभी मैं जो मैंने टेस्ट सेंटर जो मैंने यूज किया था उसके अलावा मैं डायरेक्ट पी टैग के अंदर भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर टेस्ट सेंटर सेंटर देखने के लिए, तो क्यों उसको फुल्ली हम बॉक्स को ले जाएंगे टेक्स्ट सेंटर, इस तरह कर सकते, किसी भी तरह कर सकते हैं, तो चेक कर लेंगे एक बार। उसके बाद प्राइस रहेगा डीप, एक क्लास है उसके अंदर जैसे कि बटन रहने वाला है डीप क्लास, इसकी रो टेक्स्ट सेंटर एंड एक पी टैग बनेगा, पी टैग, पे टैग में जैसे डिफाइन करेंगे तो जैसे प्राइस दिखाएंगे उसके राइट साइड में से एक डिस्काउंट भी दिखा सकते हैं राइट। तो सिंपल क्या करेंगे तो पी टैग, ओके तो चेक कर लेंगे कैसे दिखता है। ओके, ऐसा ही दिख रहा है। तो उसके बाद इसके नीचे क्या है ना, इस तरह एक दिखाएंगे दैट मीन्स मैकबुक प्रो जैसे दिख रहा है, उसके बाद प्राइस दिखाएंगे, राइट साइड में उसका एक डिस्काउंट ऑफर दिखाएंगे स्पान टैग के अंदर, एंड व्यू डिटेल्स भी दिखाएंगे उसके अंदर। ओके, तो फर्स्ट वन लेंगे क्लास FX6 राइट। तो एक प्राइस दिखाएंगे जैसे 500 या समथिंग सम फॉर नॉर्मल डेमो है। उसके बाद दैट मीन सिंपल अभी क्या करेंगे, डिस्काउंट प्राइस भी दिखाएंगे कितना अमाउंट का डिस्काउंट है, तो मान 20% दिखाएंगे, तो उसके एक स्पान टैग के अंदर रख देंगे जैसे कि अच्छा दिखना चाहिए। कलर जैसे हम ग्रीन एंड अंडरलाइन कुछ और दिखाने के लिए, तो आ जाएंगे FS6 एंड टेक्स ऑफ सेक्स, थोड़ा ग्रीन कलर में दिखना चाहिए SUCCEXS सक्सेस 20% डिस्काउंट समथिंग, जैसे कि हम जो बना रहे हैं उसी हिसाब से दिखाएंगे। तो इमेज चेक कर लें कैसे दिखता है। इस तरह 25% ऑफ राइट, तो इस तरह दिखाना है, तो 20% ऑफ चेक कर लेंगे। ओके, ऐसा ही दिख रहा है, बट एक सिंगल रो में दिखाना है, तो सिंगल रो में दिखाने के लिए तो मेरे को जैसे कि हम रो मैंने डिफाइन किया बट क्यों नीचे किया, तो चेक करना है। ओके, इस पर्टिकुलर फुल्ली मैं इस पी टैग के अंदर में रखने वाला हूँ, एक ही रो पे आ जाएगा। ओके, ये आ चुका है। तो अभी जैसे कि उसका फोन FW बोल्ट कर देंगे, बोल्ट दिखना चाहिए, बोल्ट हो गया राइट। तो अभी सही दिख रहा है। उसके बाद जैसे कि उसका एक आइकन भी दिखाना है, इसके प्राइस का, इसका प्राइस का भी आइकन दिखाना है। तो प्राइस के आइकन के लिए हम जैसे एक हैश कोड यूज करेंगे HTML का,
तो इसके पहले जैसे कि एंड सिंबल एम परसेंट हैच 8377 आपको सेमी कॉलन देना, दैट मीन्स ये कि प्राइस का सिंबल ऐड हो जाएगा यहाँ पर। तो रिफ्रेश कर लेंगे, जैसे प्राइस सिंबल दिख रहा है तभी सही दिख रहा है, ओके तो सेम जैसे दिख रहा है। उसके बाद नीचे क्या एक बटन लगाएंगे, तो बटन के लिए जैसे कि यहाँ पर जो डिव है उसके अंदर बटन लगा देंगे। तो ये जो डिव में डिफाइन किया था कार्ड बॉडी डिव रो, उसके यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे बटन या समथिंग। एंकर टैग यूज करेंगे, एंकर टैग का क्लास बीटीएन यूज करेंगे, बीटीएन प्राइमरी राइट। तो व्यू डिटेल्स ठीक है, क्या था यहाँ पर सिंपल व्यू डिटेल्स राइट, व्यू डिटेल्स ओके। तो वीडियो आ चुका है, बट इसको अंदर थोड़ा फुल्ली नहीं दिखाना इस तरह। तो उसको क्या करेंगे, तो नॉर्मल हम उसको इस तरह साइज थोड़ा छोटा करेंगे, दैट मीन्स उसको हम कूल एमडी यूज कर लेंगे, जैसे कि कूल एमडी दे देंगे उसका कूल एमडी, कूल एमडी आईपेन एमडी 6 एंड ऑफसेट दे देंगे सेट नॉर्म आने के लिए ऑफसेट एमडी दैट मीन्स 3 ओके डन। अब ये सही दिखेगा ओके आ चुका है, दैट मीन्स ये लैपटॉप आ चुका है 1500 एंड टोटल डिस्काउंट कितना दिखा रहा है ओके तो सही दिख रहा है। तो इसका थोड़ा जैसे फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर देंगे, तो इंक्रीज कर देंगे फॉन्ट, तो सही दिख रहा है ओके नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद जैसे कि मल्टीपल टाइम्स क्या है ना इसका, जैसे कि इसको मल्टीपल टाइम्स डिफाइन करेंगे तो मल्टीटोटल दैट मीन्स जो कार्ड जो है कार्ड जो डीप कोल एम डी उसको हम 4 टाइम्स डिफाइन कर लेंगे। तो फिर मैं कमेंट दे दूँगा जैसे कि तो ये वाला रिमूव होगा टू टू, जैसे कि हम जो लॉजिक इंप्लीमेंट करें बैक एंड तब ये वाला रिमूव हो जाएगा ठीक है। टू टू रिमूव आफ्टर बैक एंड रिमूव बैक एंड इम्प्लीमेंट, मतलब ये जो हमारा है जो डीप कूल एम डी 3 तो डायनामिक दैट जितना डाटा हमारा रहेगा डाटाबेस में तब उतना बार ये फॉर लूप में चलेगा। तो अन्य से जो कोड यहाँ पर स्टार्ट हुआ उसको हम उसको रिमूव कर देंगे इसके राइट। तो उसको मैं एंड कर देता हूँ, उसके अंदर मैं इसको रिफंड करूँ 3 टाइम्स हो गया डन। अभी 1 ही रो पे आ जाएगा टोटल, 1 ही रो पे सही दिख रहा है डन हो चुका है। इसके अंदर चारों तरफ थोड़ा शैडो देना है, शैडो देने के लिए दैट मीन्स जो यहाँ पर आ जाएंगे शैडो बुस्टॉप की साइड से कॉपी कॉपी कर लेंगे शैडो शैडो स्मॉल शैडो ये वाला दे देते हैं रेगुलर शैडो, नहीं तो स्मॉल शैडो दे देंगे थोड़ा अच्छा देखिएगा। थोड़ा अट्रैक्टिव आना चाहिए तो इसको यूज कर लेंगे ओके। तो फर्स्ट वाला जो है कार्ड यूज करेंगे, ये कैसे दिखता है चेक कर लेंगे एक बार, हाँ थोड़ा सही दिख रहा है थोड़ा फुल्ली कार्ड पेपर ऐड हो चुका है ओके देन सही है। तो ये भी थोड़ा अट्रैक्टिव दिख रहा है, इतना कुछ जरूरत नहीं राइट। तो हर कार्ड के अंदर यूज करना जरूरत नहीं, और ये जो कटोरी है कटोरी के अंदर यूज कर लेंगे कार कूल एम डी लिस्ट, इसके अंदर भी यूज कर लेंगे थोड़ा अटर बार भी दिखेगा नहीं। तो इसको जो मैं डिफाइन किया था इसको कार्ड डिव को डिफाइन करते कार्ड क्लास कार्ड रहेगा, उसके बाद ये नहीं कार्ड बॉडी क्लास कार्ड बॉडी कार्ड बॉडी जो कार्ड है उसके अंदर पेस्ट कर लेंगे, तो देखते हैं कैसे दिखता है। तो उसने तो इधर रिमूव कर देंगे उसको कंट्रोल एक्स कर लेंगे, यहाँ पर फ्रेश कर लेंगे, ये नहीं नीचे आ चुका है। तो दैट मीन्स कोल एम डी नहीं कुछ गलत हुआ आई थिंक, कार्ड हुआ रो सॉरी ये जो था ये कूल एम डी के अंदर रखना चाहिए था मेरे को ये अंदर इसके अंदर राइट। तो आपको जैसे ग्रीड है तो ये मैंने टोटल फुल्ली रो है राइट। तो मैंने जैसे रो को मैंने ब्रेक कर दिया मीन्स कूल एम डी नहीं मिला तो इसलिए नीचे आ चुका था। तो उसको क्या है ना कूल एम डी 2 जो है उसके अंदर डिफाइन करना कार्ड कार्ड बॉडी ऐसा ही दिख रहा है अभी, रिफ्रेश करूँगा अभी सही दिखेगा राइट। तो सही दिख रहा है तो बट ये अच्छा नहीं दिख रहा है, बट छोटा हो चुका है बहुत। तो अभी क्या करेंगे उसको पैडिंग 0 कर देखते हैं, पैडिंग 0 नहीं सही नहीं दिख रहा है तो बहुत ही हो चुका है पैडिंग 0 और ये भी ऊपर कर देंगे पैडिंग 0 ओके ये सही दिख रहा है। अभी लेफ्ट साइड में जो है मेरा कटोरी दिख रहा है, राइट साइड में मेरा जो इमेजेस दिख रहा है ओके डन। दैट मीन जैसे मैं व्यू डिटेल्स में जैसे मैं क्लिक करूँ, जैसे मैं व्यू डिटेल्स में क्लिक करता हूँ पर्टिकुलर के इस तरह मेरा जैसे कि एक पेज खोलना चाहिए राइट। इधर पेज में जैसे कि एक डीप रहेगा, डीप के अंदर लेफ्ट साइड इमेज रहेगा
हाँ राइट साइड में उसका डिटेल्स आने वाला, प्रोडक्ट डिटेल्स क्या है, स्टेटस क्या है, कैटेगरी एंड पॉलिसी रहने वाला क्या है, प्राइस क्या रहना चाहिए एंड इसके थोड़ा थ्री आइकन मैंने ऐड किया था ऐड टू कार्ट। तो ये आज अभी बना लेते हैं, जैसे बन जाएगा दैट मीन्स मेरा अभी ऑलमोस्ट यूजर का मॉडल बन जाएगा राइट। तो अभी चलो इसको भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं, तो आ जाएंगे दैट मीन्स ये व्यू डिटेल्स नेम से बना लेंगे। तो जैसे टेम्पलेट जो फोल्डर है उसके राइट क्लिक करें न्यू एच टी एम एल एट देन व्यू प्रोडक्ट व्यू प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल फर्स्ट वाला जो टॉप में जो था उसे ना थंबनेल का कोड कॉपी कर लेंगे यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ओके डन। तो उसके बाद आ जाएंगे सिंपल फर्स्ट वाला सेक्शन टैग डिफाइन करेंगे क्लास कंटेनर डेव क्लास देन उसके बाद डिफाइन रो करेंगे राइट देन डेव क्लास कूल एम डी देन डिफाइन करना है मेरे को दैट मीन्स क्या है ना फाइल कूल एम डी 12 फुल्ली ओके देन पैडिंग 5 दे देंगे ऐसे कूल एम डी 12 लगते हैं राइट 12 एम डी ग्रिड है तो उसके अंदर डिफाइन दैट मीन्स जो मैं टोटल 6 ग्रिड में डिफाइन करना है 12 ग्रिड के अंदर राइट। तो डिव क्लास कूल एम डी 6 एंड ये 12 एम डी जो इमेज फर्स्ट में पहले इमेज रहेगा मेरा इमेज टैग डायरेक्टली कॉपी कर लेते मैंने डिफाइन किया था अभी प्रोडक्ट टेबल से तो ये वाला एक इमेज टैग था इमेज टैग को कॉपी कर लेंगे एक बार तो मेरे को बार बार सेम लॉजिक नहीं लिखना है। ओके देन अभी इमेज टैग पेस्ट कर लेंगे अभी सही दिखने वाला है। ओके तो ये मेरा बन चुका है उसका लेकिन विड्थ वगैरह जो चेंजेस कर देंगे ट्वीट दे देंगे 330 पिक्सल तो ऑलरेडी क्या मैंने बनाया था ये मेरा ऑलरेडी पता है इसलिए मैं डायरेक्टली दे दे रहा कोई चेक नहीं कर रहा हूँ। ओके तो आपको जो रिक्वायरमेंट हिसाब से आपको बनाना है कितना क्या देना है आप चेकआउट कर लेना एक बार तो सेव कर लेते एक बार। तो उसके बाद जैसे कि आ जाएंगे कंट्रोल के अंदर उसको भी चेक करना होगा राइट तो उसका भी कंट्रोल मैपिंग बनाना है तो ऐसे आ जाएंगे प्रोडक्ट्स था तो ये मैंने बनेगा प्रोडक्ट प्रोडक्ट अपनी एक ही प्रोडक्ट दिखना है और ओके तो ये मतलब क्या है ना मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो एक मतलब प्रोडक्ट ये होगा जो पेज बनेगा व्यू प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट डी एस पी तो ओके दैट मीन उसके बाद जो इन प्रोडक्ट एच टी एम एल जो था यहाँ पर जो व्यू डिटेल्स जो पेज था यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा वो वाले यू आर एल मैपिंग हो तो यहाँ फिर आ जाएंगे स्लैश व्यू ओनली प्रोडक्ट लिखते हैं प्रोडक्ट राइट। तो जैसे प्रोडक्ट में मैपिंग हुआ जब जैसे व्यू डिटेल्स में क्लिक करो वो वाला पेज खोलना चाहिए ओके आ जाएंगे अभी रिफ्रेश करेंगे एक बार व्यू डिटेल्स में क्लिक करूँगा अभी सही दिख रहा है इमेज आ चुका है ओके डन। तभी क्या करेंगे उसको चाह रहा था दैट मीन्स क्या है उसको पैडिंग वगैरह देंगे सही से तो दैट मीन्स जैसे इस तरह इमेज को सेंटर में लाएंगे इसके अंदर जो है मेरे कंटेनर इसके अंदर चारों तरफ एक बॉर्डर भी देना है मेरे को तो उसके बाद देना ये सही दिखेगा। तो आ जाएंगे एक बार तो ये जो इन प्रोडक्ट जो व्यू प्रोडक्ट डॉट एच टी एम एल तो ऐसे के आ जाएंगे जो कार्ड था कंटेनर तो यहाँ पर क्या है ना एक कस्टम सी एस एस में यूज करने वाला हूँ देख कार्ड सी एस एस में जो बनाया था ऑलरेडी तो जैसे कि फर्स्ट ऑल आ जाएंगे एक बनाया था ऑलरेडी राइट तो अभी एच टी एम एल सी एस एस दे देंगे कस्टम सी एस में बनाया था राइट तो कस्टम सी एस को यूज कर लेंगे तो सी एस मेरा एक कोड था उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। ओके तो आ जाएंगे इसमें स्टाइल डॉट सी एस एस तो यहाँ पर क्या करेंगे उसको पेस्ट कर देता हूँ तो ये कार्ड शैडो के लिए मैंने बनाया था कैटेगरी डी मतलब डीप नेव का कुछ शैडो देने के लिए मैं यूज किया था ओके तो अलग अलग था तो इसमें ओके तो हम कैड शैडो ये वाला यूज़ करेंगे तो दैट मीन थोड़ा अट्रैक्टिव दिखने के लिए तो जैसे कि सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस को लिंक भी करना होगा बेस्ड डॉट एच टी एम एल में तो टॉप में चेक करना होगा ये लिंक हुआ कि नहीं ये लिंक नहीं हुआ उसको लिंक करना है तो आ जाएंगे जैसे कि इस तरह यूज़ करना है लिंक टैग यूज करके आपको आर करना होगा स्टाइल देन ये जो मेरा है स्टैटिक फोल्डर अंदर है जैसे कि स्टैटिक सी एस एस के अंदर है राइट तो सी एस एस स्टाइल डॉट सी एस एस ओके डन। तो आ जाएंगे सिंपल अभी क्या करेंगे जो व्यू डॉट एच टी एम एल तो कार्ड सी एस में शैडो जो मैंने लगाया था कार्ड शैडो चेक करेंगे जो मेरा था नेम क्या था कार्ड हाइफन शैडो तो चेक करेंगे वो शैडो ऐड हुआ कि नहीं ओके तो सही है डन। उसके बाद जैसे पैडिंग वगैरह थोड़ा दे देंगे जैसे अट्रैक्टिव दिखने के लिए
तो फर्स्ट में क्या है, मार्जिन टॉप दे देंगे। ओके स्टाइल तो कस्टम होगा, मार्जिन टॉप देंगे 70 पिक्सल, ऊपर से नीचे आ चुका है राइट। तो ये सही दिख रहा है, तो इमेज को ले देख, मीन्स इमेज को अंदर लेके आना है। तो आ जाएंगे तो इमेज को पैडिंग 5 कर देंगे, इसको कर देंगे पैडिंग 5 कूल एम 12 को। देन इसके बाद जो मेरा इमेज है देन इसको टेक्स्ट एंड कर देंगे, जिसमें इट मीन्स ये राइट सेंटर में आ जाए, से एंड में आ जाए। ओके सही दिख रहा है। अभी क्या ना राइट साइड में मेरे को दिखाना है जो प्रोडक्ट का डिटेल्स राइट, तो इस तरह एक दिखाना है मैकबुक प्रो राइट। तो ऑलरेडी मैंने लिखा था, कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम राइट। तो आ जाएंगे एक बार तो आपको समझा दूंगा, डोंट वरी। तो अगर इतना टाइम एक एक करके टाइप करेंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत। तो अभी आ जाएंगे टाइम इक्वल एमडी बना लेंगे फिर से एक डिफरेंट सेकेंड गेट कूल एमडी। तो बट मेरा लॉजिक क्या है ना, अच्छे से बैक एंड कोड लॉजिक ऐसे इंप्लीमेंट करना वो आना चाहिए राइट। तो एचटीएमएल सीएसएस आप कभी सीख सकते हो, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। गूगल से अभी टाइम तो चार जीपीटी भी आ चुका, चार जीपीटी की हेल्प लेके भी आप कर सकते हो राइट। तो मैं इसको थोड़ा जैसे चेंजेस वगैरह कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने जेएसपी में बनाया था वो वाला यूआई को हमें इंप्लीमेंट कर रहा था सेम, कुछ नहीं है। तो सिंपल ऑटो कट सब कुछ मस्त बनाएंगे, ओके डोंट वरी। आउट ऑफ स्टॉक वाला जैसे जैसे मैंने बताया सेम उस तरह लॉजिक सब इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत अच्छा फंक्शनलिटी बनाएंगे बनाएंगे इसे आप इजीली आप कॉलेज का फाइनल ईयर में दिखा सकती है वाला प्रोजेक्ट। ओके तो मैंने यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ राइट, सही है डन। टाइटल में दिखा देंगे जैसे कि लैपटॉप राइट, डिस्क्रिप्शन में कुछ दिखा देता हूँ जैसे कि HP लैपटॉप 256 GB SSD राइट। तो प्रोडक्ट डिटेल स्टार्टअप में दिखाएंगे यहाँ पर, स्टॉक अवेलेबल एंड उसके बाद नहीं दिखाएंगे राइट। तो ये आ जाएंगे सुन अवेलेबल दिखाएंगे आने वाले एयर ब्लॉक रिमूव कर लेते हैं। स्प्रिंग बैच में आउट ऑफ स्टॉक कैटेगरी क्या है ना, ये मोर लैपटॉप 7 डेज पॉलिसी, हम प्राइस दिखा देंगे यहाँ पर 70,000 राइट। एंड डिस्काउंट कितना 20% ऑफ उसके बाद नहीं नहीं क्या था डिस्काउंट प्राइस था, डिस्काउंट होने का कितना प्राइस दिखा रहे हैं तो मान लो 5,000 ओके डिस्काउंट होने के बाद। इसके बाद यहाँ पर डिस्काउंट कितना परसेंट है, परसेंट दिखाएंगे मान लो 30% 50%। ओके तो ये बन चुका है, तो अभी चेक करेंगे एक बार देन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा डोंट वरी। ओके तो ये नीचे आ चुका है क्यों, तो अभी चेक कर लेंगे। तो कुछ इमेज आ चुका आ चुका है, तो इमेज को रिमूव करना है, कुछ जरूरत नहीं था। ऑलरेडी मैंने ऐड किया था कूल एमडी पेंट कार्ड टॉप में ऐड किया था ना। ओके सॉरी 2 टाइम्स मैंने ऐड कर दिया इसको। ओके अब सही दिख रहा है, बट इसको क्या है ना लेफ्ट साइड में लेके जाना है राइट। तो यहाँ से ग्रिड का कुछ मिसमैच हुआ है, तो आ जाएंगे एक बार ग्रिड वगैरह चेक कर लेंगे तो नहीं सही हो जाएगा। कूल एमडी 6 कूल एमडी 6 था पैडिंग 5 इसका आई थिंक मान लो ये वाला है, ये रो है, ये कंटेनर है राइट, ये सही है। बट आई थिंक मे भी ये कुछ पैडिंग की वजह से आ चुके नीचे, तो एक बार चेक कर लेंगे रिफ्रेश। नहीं पैडिंग ने पैडिंग सही था, ये फर्स्ट डिफॉल्ट कूल एमडी 6 है, फर्स्ट रो था ओके ये वाला रो मैंने मिस्टेक कर दिया राइट। तो रो को इस पर इस तरह नहीं देने था, तो मैं क्योंकि ना मैंने कूल एमडी टूल क्यों यूज किया दैट मीन्स इसका चारों तरफ लेने के लिए ओके नो इशू। तो इसको क्या करेंगे रो को इसका अंदर दे देंगे, तो मतलब इस तरह मिसमैच हो रहा है राइट। अभी सही दिखेगा ओके अभी सही दिख रहा है,
टन, दैट मीन्स क्या है ना, मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको फिर से। तो ये जो मैंने 12 ग्रिड मैंने लिया था टोटल, उसके अंदर क्या रो मैंने इसको डिफाइन करा, दैट मीन्स आपको जब ग्रिड डिफाइन करना है ना, डबल टू टाइम थ्री टाइम्स को डिवाइड करना है, तो उस टाइम क्या ना आपको रो यूज़ करना है, रो के अंदर आपको ग्रिड यूज़ करना था, राइट। तो मैंने जैसे कि रो को बाहर रखा था, 12 के अंदर 6 डिफाइन नहीं कर पा रहा, इसलिए वो एरर आ रहा था, राइट। तो टोटल उसको पता था 12, बट उसको कन्फ्यूज हो रहा है, तभी उसने रो यूज किया, उसके अंदर 6 ग्रिड बन चुका है, अनदर 6 ग्रिड में उसका डिटेल्स दिख रहा है, ओके। तो दैट मीन्स तो राइट साइड में जो था मेरा ग्रिड, उसको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट में पी टैग लिया, लैपटॉप एफ एस थे, दैट मीन्स का फोन का साइज। सेकेंड में जो था मैं डिस्क्रिप्शन उसका, जैसे कि मैंने बी आर टैग, दैट मीन नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, राइट। प्रायोरिटीज मैंने पी टैग, मैंने और एक पी टैग लिया, मतलब ये प्रायोरिटीज के लिए, ये सब अलग अलग मैंने पीक टैग एक ले रहा हूँ, राइट। तो जैसे बोल्ड में दिखाने के लिए मैंने अब यूज़ किया फॉन्ट वेट बोल्ड स्पान टैग मैंने यूज़ किया, राइट। देखो मुझे प्रायोरिटीज मैंने के लिए उसका एक स्पान टैग लिया, उसका नेक्स्ट लाइन में स्टार्टस दिखाने के लिए, देन मैंने एक उसका बैच सक्सेस मैंने देखा अवेलेबल, अगर अवेलेबल होगा तो ग्रीन में दिखेगा, राइट। अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया, दैट मीन्स जैसे कि इस तरह कॉलर देखिए, दैट मीन्स तो डायनेमिक बनाना है, अगर अवेलेबल होगा अवेलेबल देखिएगा, अगर डायनेमिक दैट मीन्स अगर मैं अवेलेबल नहीं तो आउट ऑफ स्टॉक इस तरह बटन दिखाएंगे। तो इसके लिए जैसे बूस्टर की क्लास मैंने जो यूज़ किया, जैसे कि बैच, राइट, बैच जैसे यूज़ करोगे तो सक्सेस मतलब इस तरह दिखेगा, और वार्निंग मतलब क्या है ना, अवेलेबल नहीं, दैट मीन्स येलो कलर में दिखेगा। नेक्स्ट लाइन पर दिखा रहे कैटेगरी, दैट मीन्स लैपटॉप कौन सा कैटेगरी का है, देन उसके पॉलिसी 7 डेज का रिप्लेसमेंट, डन। ये वाला एक पी टैग कंप्लीट हो चुका है, दैट मीन्स ये वाला पी टैग सेकेंड, ये वाला एक पी टैग था, राइट। तो कौन सा ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसके बाद कितना अमाउंट डिस्काउंट हुआ, उसके बाद ये कितना परसेंट दिखा रहा है अमाउंट, राइट। तो अगर मान लो 0% है तो मतलब ये 0 दिखेगा, मतलब कुछ स्ट्राइक नहीं आएगा, राइट। अगर मान लो 3% है तो 3% का उसका जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर स्ट्राइक आएगा, नहीं तो गाइस ये सिंपल गलत, दैट मीन्स क्या है, टोटल अमाउंट प्राइस क्या है उसके ऊपर ये स्ट्राइक रहेगा, राइट। तो मान लो जैसे कि इसका प्राइस था कितना, तो मान लो जैसे मैं देता हूँ अभी ये क्या 70,000 मैंने लिखा ना, मान लो 7,000 कर देता हूँ, राइट। उसका टोटल प्राइस था 14,000, तो मतलब क्या है ना, 14,000 के ऊपर 50% ऑफ हुआ था अपने, 7,000 है उसका लॉजिक है, तो मैं रिफ्रेश कर लूँगा, ओके 14,000 था, 50% डिस्काउंट होने के बाद 7,000 दिखा रहा है, राइट। ये सही दिख रहा है अभी। उसके बाद मैंने टोटल 3 यहाँ पर आइकन मैंने यूज़ किया, सिंपल जैसे कि आप डायरेक्टली फॉन्ट असम साइट से ले सकते हो, जैसे मैंने सर्च किया था जैसे एफ ए मनी बिल वेफ, तो जैसे कैश ऑन डिलीवरी मनी का, रिटर्न जैसे कि ट्रक का, राइट। उसका नेक्स्ट जो ट्रॉक का है सब शिपिंग के लिए, यार रिटर्न के लिए एक मतलब एफ ऑनडू ऑल्ट इसका जो नेम था, राइट। सिंपल 2x मैंने यहाँ पर यूज़ किया, एफ ए 2x मतलब थोड़ा साइज इंक्रीज बड़ा होने के लिए, राइट। सेंटर में देखें टेस्ट सेंटर, और उसका कलर डेंजर दिखने के लिए टेम मैंने जैसे रेड मैंने यूज़ किया, ओके डन। सिंपल इसको जैसे मान लो मनी जो कैश ऑन डिलीवरी उसको मैं देता हूँ तो सक्सेस, मतलब क्या है ना ये ग्रीन कलर बन जाएगा सक्सेस। जो रिटर्न अवेलेबल मैं रेड कलर दे देता हूँ, और फ्री शॉपिंग में इसको दे देता हूँ जैसे कि उसका कलर दे दूंगा, और कुछ कलर समथिंग प्राइमरी भी दिखेगा, टोटल 3 कलर्स दिखा रहा है, कैश ऑन डिलीवरी, रिटर्न डायरेक्ट, फ्री शिपिंग, एंड ऐड टू कार्ट मैंने लास्ट में एक बटन मैंने ऐड कर दिया, ये जो बटन है तो बीटीएन डेंजर कूल एमडी 12 ऐड टू कार्ट, राइट। सिम बटन तो मैंने सक्सेसफुली किया है ना, मेरा अभी बन चुका है व्यू प्रोडक्ट पेज, ओके। सो गाइज तो कंप्लीटेड। तो ये जो फुटर है उसको भी थोड़ा मार्जिन टॉप दे देंगे, तो बेस में आ जाएंगे तो हम मार्जिन टॉप कर लेंगे, नहीं तो सिंपल है इसका अंदर दे देंगे ना व्यू प्रोडक्ट का अंदर, उसको हम क्यों इतना चेंजेस करें, किसी के ऊपर डिपेंड कर सकता है चेंज होगा। तो कंटेनर एंड मार्जिन बटन दे देंगे, मार्जिन बटन 50 पिक्सल या 100 पिक्सल, ओके ये सही दिख रहा है अभी डन। तो ये हमारा बन चुका है, प्रोडक्ट पेज बन चुका है, सर्च पेज के साथ कैटेगरी दिख रहा है, एंड जिसे मैं क्लिक करूँगा इसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज दिख रहा है, राइट। सो गाइज आज के वीडियो का हम जो कंप्लीट कर चुके हैं प्रोडक्ट पेज एंड व्यू प्रोडक्ट पेज का, तो गाइज जैसे नेक्स्ट वीडियो का हम बनाने एडमिन पेज बनाएंगे, एडमिन पैनल, तो आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह बनाना है, जैसे कि admin@admin.com पासवर्ड admin, ओके इस तरह पेज बना लेंगे, उसका ऐड प्रोडक्ट पेज इस तरह बनाएंगे, राइट। तो सब कुछ बना लेंगे, फर्स्ट क्या ना यूआई पेज बन गया ना, तो बहुत जल्दी हम बैकएंड कोड इजीली उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो कोई अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको फर्स्ट यूआई आपको कैसे बनाना है उसको आपको डिसाइड करना होगा, यूआई के देख जब मिल जाएगा ना आपको तुरंत उसी बैकएंड कोड इजीली लिख सकते हो। अगर नहीं, अगर विदाउट यूआई से मान लो यूआई थोड़ा सा बनाया, बैकएंड कुछ लिख रहे हो, फिर से याद आ रहा कुछ इसमें कुछ फंक्शन मेरे को ऐड करना है, तो मतलब कोड का हर बार चेंजेस होता रहेगा, आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाओगे। मेरे हिसाब से मैं ये मेरा लॉजिक है क्या है ना, अगर कुछ मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा फर्स्ट और क्या ना मेरे को यूआई अच्छे से कंप्लीट कर लूँगा, तो कहाँ पर क्या यूज करना है, कुछ भी बनाना है, मतलब सब कुछ मैं फाइनलाइज कर लूँगा, देन क्या ना मेरे लिए कोडिंग करने के लिए थोड़ा इजी होगा बैकएंड कोड, तो बैकएंड कोड बार बार चेंज करने से मेरे को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए मैं क्या ना फर्स्ट ऑफ बना लेता हूँ यूआई,
देन जैसे मेरे को मिल गया नहीं ये इस पेज के अंदर ये वाला रखना है, ये वाला इस तरह से दिखाना है, तो मेरे को कन्फर्मेशन मिल चुका है। देन मैं क्या ना बैकएंड कोड फुल्ली इंडिपेंडेंटली बहुत जल्दी मैं बना सकता हूँ। ये है मेरा लॉजिक एंड स्ट्रैटेजी होता है। तो गाइज इस तरह आपको फॉलो करना है तो मैं बना रहा हूँ, जैसे आप प्रोजेक्ट सीख जाओगे देन आपके स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर सकते हो खुद से जैसे आपको अच्छा लगे, राइट। सो गाइज अभी तक अगर वीडियो देख रहे हो कुछ हेल्पफुल हुआ तो गाइज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो को आपको अपडेट मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।